गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। शास्त्रों और साहित्य में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु का आशीर्वाद जिसके सर पर हो उसे जीवन में हर बड़ी कठिनाई आसान लगने लगती है। आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। ये दिन महाभारत के रचयिता, संस्कृत के विद्वान और चारों वेदों के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। आज राजधानी में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में समता कॉलोनी स्थित गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना की गई। हवन के साथ साथ बच्चों का जनेऊ संस्कार भी किया गया। इस दौरान श्रद्धालु भी भक्ति भावना से ओतप्रोत नजर आए। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और धार्मिक आस्था के अनुसार गुरु पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व है और गुरु को भगवान के तुल्य माना गया है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै गुरुवे नमः। तो गुरुओं को हम लोग इस प्रकार नमन करते हैं और उनके बताए गए रास्ते में चलने का संकल्प लेते हैं फिर से, ताकि उनके जो रास्ते हैं वो हमको इस लोक नहीं परलोक में भी रास्ता बताते हैं, सुधार करते हैं। इसलिए गुरु से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनके चरणों में अगर स्थान मिल जाए किसी भी व्यक्ति को तो आदमी तर जाता है। इसलिए इस पर्व को बहुत महत्व देते हैं कोई भी धार्मिक आस्था वाले। गायत्री परिवार तो इसको विशेष रूप से मनाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं वो हमारे गुरु हैं और माता भगवती देवी शर्मा हमारी गुरु माता हैं और उन्होंने हरिद्वार शांति कुंज में अपना आश्रम बनाया है। नारायण नारायण।